साथियों नमस्कार, आदाब। कला, साहित्य और संस्कृति के इस नए मंच पर आपका अभिनंदन है। जहां चाहिए वहां मिलूंगा, जहां चाहिए वहां मिलूंगा, स्थापित कर लो नहीं हिलूंगा। सबके लेखे सदा सुलभ में, अति दुर्लभ में, अति दुर्लभ में, महाकाल भी निगल न पाए, महाकाल भी निगल न पाए। बामन हूँ मैं विराट हूँ, मैं विराट हूँ, मैं बामन हूँ। साथियों, ये कविता की पंक्तियाँ हिंदी कविता के दुर्धर्ष कवि बाबा नागार्जुन की है। यात्री नागार्जुन का काव्य लोक अत्यंत विस्तृत है। उनकी कविता में सिर्फ एक तान नहीं, अपितु विविधता से परिपूर्ण तान देखने को मिलती है। बाबा नागार्जुन का लोक अत्यंत उर्वर है। कविता को रोचक बनाने के लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक लोकधर्मी काव्य रूपों का प्रयोग किया है। उन्हें पढ़ते हुए लगातार एक लोक कवि की उपस्थिति का एहसास होता है। वैसे तो नागार्जुन ने एक से बढ़कर एक कविताएं लिखी हैं। कालिदास, उनको प्रणाम, बादल को घिरते देखा है, चातकी, सिंदूर तिलकित भाल, वह दंतुरित मुस्कान, प्रेत का बयान, तालाब की मछलियां, धरती, चनाजोर गरम, मास्टर, प्यासी पथराई आंखें, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, अन्न पचीसी, तीनों बंदर बापू के, मंत्र, इंदू जी क्या हुआ आपको, खिचड़ी, विप्लव देखा मैंने, प्रतिबद्ध हूँ, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, और शासन की बंदूक आदि कविताएं बेहद प्रसिद्ध रही हैं। किंतु साथियों, आज हम इस मंच पर बाबा नागार्जुन की एक लोकधर्मी कविता, सबसे चर्चित कविता, जो 1946 के बंगाल अकाल के बाद, जिसे नागार्जुन ने सन 1952 में लिखा था, जिसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद, इस कविता पर बात करेंगे और इसके महत्व को समझेंगे। कविता 8 पंक्तियों की है और इस तरह से पूरी कविता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दूसरे तरफ 4 लाइन की कविता और नागार्जुन कहते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। साथियों, बाबा नागार्जुन की यह कविता आकार में मात्र 8 पंक्तियों की है, लेकिन प्रभाव में अत्यंत तीखी है। थोड़े से शब्दों में ही बाबा नागार्जुन ने जो चित्र खींचा है, हैरान कर देता है। कानी कुतिया का सोना जहां हमें स्वाभाविक जान पड़ता है, वहीं आग का नहीं जलने से चूल्हे का रोना, चक्की का उदास होना, बिल्कुल एक अस्वाभाविक सा चित्र, लेकिन नागार्जुन ने बड़ी सरलता से खींचा है। किंतु नागार्जुन ने इनको बड़ी ही खूबसूरती और क्लासिकल तरीके से घर वालों के अभाव जनित दुख में सम्मिलित होना और इसका चित्र खींचना बिल्कुल विस्मित कर देता है। साथियों, ये एक किस्सा नहीं, एक सच्ची घटना है। जब घर में अन्न नहीं तो डिबरी के लिए तेल कहाँ से आएगा, और छिपकली और चूहों की हालत सिकस्त रहने लगती है। यहाँ भी नागार्जुन उत्तर बिहार के एक प्रचलित मुहावरे, उनकी हालत शिकस्त का जीवंतता के साथ चित्रण किया है। इस कविता में बाबा नागार्जुन ने एक ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को केंद्र में करके लिखा है, जहाँ चूल्हा है, चक्की है, और जहाँ पर रोज दिया भी जलता है। किंतु नागार्जुन ने उस परिवार का जिक्र बिल्कुल भी उस कविता में न के बराबर करते हुए सिर्फ एक पंक्तियों में वो कह देते हैं कि चमक उठी घर भर की आंखें वाली पंक्तियों में जिस खूबसूरती के साथ किया है, वाकई में काबिले तारीफ है। साथियों, कविता की दूसरी 4 पंक्तियों में ताजगी और उल्लास का एक बेहतरीन चित्रण बाबा नागार्जुन ने किया है। दाने जब घर के अंदर आते हैं तो कई दिनों के बाद जब आते हैं तो स्वमेव ही घर की शिराओं में और उनके उन घरों में रहने वाले लोगों के भीतर एक रक्त का संचार हो जाता है, और सारे घर भर की आंखें
अपने आप ही चमकने लगती है। कौवे का अपनी चोंच से पंखे खुजलाना अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है, जबकि कहा जाता है कि कौवे कुछ खाकर ही अपनी चोंच को पंखों से साफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कौवा बिना खाए ही खाने के भाव से भरकर अपने चोंच पंख से साफ कर रहा है। साथियों, इस कविता का सौंदर्य इसकी आवृत्ति में है। कई दिनों तक और कई दिनों के बाद को क्रमशः बाबा नागार्जुन ने चार चार बार आवृत्ति किया है। इन दोनों बंदों में विषय अलग रहता है। पहले में जहां वह अकाल की विभीषिका का जिक्र करता है कभी, तो वहीं दूसरी तरफ भोजन पाने की उल्लास, भोजन पाने के आस का जिक्र करते हैं। लोग नरमी नागार्जुन ने विषय बदल जाने के साथ ही जिस खूबसूरती के साथ आवृत्ति के ढंग को बदला है, उसके शब्द विन्यास को बदला है, रूप विन्यास को बदला है, वाकई में अद्भुत है। कविता का समापन उल्लासमय वातावरण में होता है, क्योंकि नागार्जुन जिजीविषा के कवि हैं, प्रतिबद्धता के कवि हैं, जनता के कवि हैं। इसलिए अकाल जैसी विभीषिका पर भी जनता जनार्दन की विजय को दिखाने से वह हार नहीं मानते हैं। साथियों, इस पूरी कविता में कबीर की तरह नागार्जुन ने लोक प्रचलित काव्य बिंबों का प्रयोग किया है। सच मायने में नागार्जुन अकाल के कवि हैं, इसलिए वे अकाल को एक प्राकृतिक अभिशाप के रूप में बिल्कुल नहीं देखते हैं, वह एक मानवीय अभिशाप या त्रासदी के रूप में ज़्यादा देखते हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।